Hello guys, my name is Adam and today watching SNS. Guys, today I'm discussing about glycolysis. So guys, glycolysis जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हम जो भी खाते हैं, मीन हम जो भी कंज्यूम करते हैं, वो आगे जाके उसका डाइजेशन होके उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे. सपोज दैट कार्बोहाइड्रेट है तो वो आगे जाके हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा डाइजेशन होके, और वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वहां से एब्सॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है. ओके, और ब्लड में से वो आगे हमारे सेल को प्रोवाइड होंगे. सेल को हमारी बॉडी में, आपको पता ही है कि 100 ट्रिलियन मीन 10^10 हमारी बॉडी में पूरे सेल है. ओके, सो ये हर एक सेल के फंक्शन के लिए जो एनर्जी मिलती है वो हमारे ये डायट्री सोर्स से मिलती है. सो सपोज दैट ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज ब्लड में जाने के बाद सेल में जाएगा, और सेल में किस तरह से एनर्जी फॉर्म होगी वो हम देखने का ट्राई करेंगे. ओके, सो हम बात करें तो जब ग्लूकोज हमारा जो होता है वो ब्लड में से चला जाता है सेल में, तो सेल में एनर्जी किस तरह से फॉर्म होती है, तो उसके 3 स्टेप में फॉर्म होती है. फर्स्टली उसका ग्लाइकोलाइसिस होता है, और ग्लाइकोलाइसिस की जो भी प्रोडक्ट मिलेगी वो आगे जाके हमारे टीसीए साइकिल मीन क्रेब्स साइकिल में एंटर होगी, और क्रेब्स साइकिल में NADH2 एंड FADH2 फॉर्म होगी, और वो आगे जाके हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेंगे. ओके, सो इस तरह से हमारा ये पूरी एनर्जी फॉर्म होती है, और ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो ATP फॉर्म करता है. जो ATP होता है वो हमारे सेल का एनर्जी करेंसी होता है. जैसे कि हम हमारे डेली बेसिस पे हम करेंसी का यूज करते हैं, वैसे ही हमारे जो सेल में एनर्जी की करेंसी होती है वो हमारी ATP होती है. ओके, सो हमने देखा कि ATP फॉर्मेशन के लिए फर्स्टली ग्लाइकोलाइसिस होता है. सो ये ग्लाइकोलाइसिस के भी स्टेप है, किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस होता है. हमारे जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो हमारे साइटोप्लाज्म में होता है, तो किस तरह से होता है तो ये देखने का हम ट्राई करेंगे. ओके, जब ग्लूकोज हमारे ब्लड में से साइटोप्लाज्म में एंटर करता है तो किस तरह से उसका ग्लाइकोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है. ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होगा और कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में. इसमें से हमारा जो ATP होगा, ATP एक जो उसके ATP का आपको फुल फॉर्म पता ही होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. सो यहाँ पर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, वहां से ये फॉस्फेट जो ग्रुप होता है वो रिलीज कर देगा और ADP बन जाएगा, और ये जो रिलीज हुआ फॉस्फेट ग्रुप होता है वो हमारे ग्लूकोज को दे देता है, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन जाता है. ओके, और इसमें जो एंजाइम काम करता है वो हमारा हेक्सोकाइनेज, कौन सा हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करता है. और फर्दर ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट होता है वो इसके आइसोमर में, मीन इसके जो आइसोमर होता है इसमें कन्वर्ट होगा, तो इसमें जो इसका आइसोमर बनेगा वो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बनेगा. ओके, और इसमें जो एंजाइम काम करेगा वो हमारा ग्लूको फॉस्फोम्यूटेज, कौन सा ग्लूको फॉस्फोम्यूटेज. इस एंजाइम को आप आइसोमरेज भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके आइसोमर में कन्वर्ट हुआ है, सो इसको आइसोमरेज भी बोल सकते हैं. और हम आगे देखें तो जो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट आता है उसमें फिर से एक बार फॉस्फोराइलेशन होता है, और वो बन जाता है फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, कौन सा फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट. और इसमें जो एंजाइम काम करता है वो हमारा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. ओके, सो इस तरह से हमारा जो फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट बनेगा, और ये फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट आता है उसका भी फर्दर डिवाइडेशन होता है 2 पार्ट में, एक DHFE मीन डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड PGA मीन फॉस्फोग्लिसराइड, और यू कैन ऑल्सो से ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट, क्योंकि इसके जो थर्ड नंबर वाले कार्बन होगा उसमें उसके ऊपर हमारा फॉस्फेट ग्रुप होगा, सो इसलिए उसको ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट भी बोलते हैं. ओके, सो इसमें जो एंजाइम काम करेगा वो हमारा अल्डोलेज, कौन सा अल्डोलेज, ये हमारा लाइसिस ग्रुप का एंजाइम है. एंजाइम हमारा जो फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट होता है उसको बिना वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा और 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, DHFE एंड PGA, और ये DHFE एंड PGA एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीन एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं. ओके, इसमें जो एंजाइम काम करेगा वो हमारा आइसोमरेज, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे का आइसोमर है, सो इसमें जो एंजाइम काम करेगा वो हमारा आइसोमरेज. और ये हमारा जो PGA मीन फॉस्फोग्लिसराइड बना उसका भी फर्दर फॉस्फोराइलेशन होगा, बट यहाँ पर ATP नहीं आएगा, यहाँ पर जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप होगा वो हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप, कोई अदर फॉस्फेट ग्रुप आएगा, और इसका फॉस्फोराइलेशन होगा और बनेगा हमारा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसराइड, कौन सा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसराइड. और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर जो PGA होता है वो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसराइड बनता है, तो यहाँ से इसका डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है. डिहाइड्रोजिनेशन भी इसके अंदर से जो भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसका बाहर निकलना होता है, सो यहाँ पर
2H plus बाहर निकलेंगे और यहाँ पर हमने देखा था कि इसको DHAP कन्वर्ट हो जाता है हमारा PGA में। सो यहाँ पर देखें तो ये PGA ग्रुप का हमारा 2H plus दो हाइड्रोजन रिलीज हो गए। सो यहाँ पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का PGA में कन्वर्ट होने के बाद हमारे दो PGA बनेंगे। सो यहाँ पर हमारे टोटल 4H plus रिलीज हो जाएंगे और ये 4H plus जो रिलीज हुए वो हमारे NAD के द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे और NADH2 बनाएंगे। सो इस तरह से ये NADH2 जाएगा क्रेब्स साइकिल में, सॉरी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मीन हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके हमारा एटीपी बनेगा, वो हम बाद में देखेंगे। बट यहाँ पर हम देखे तो ये हमारा जो फॉस्फोराइलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है उसका जो एंजाइम होता है वो होता है ग्लिसराल डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज क्यों? क्योंकि इसका डिहाइड्रोजिनेसिस होता है, उसमें से हाइड्रोजन निकलता है, सो इसको डिहाइड्रोजिनेज बोलेंगे और ग्लिसराल डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और हमारा ये जो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसराइड बना है वो आगे जाके उसका डीफॉस्फोराइलेशन होगा। यहाँ तक हमने देखा था कि ये जो हमारा पूरा होता है उसमें फॉस्फोराइलेशन होता है, बट यहाँ से हमारा डीफॉस्फोराइलेशन स्टार्ट होता है। सो यहाँ पर हम देखे तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसराइड कन्वर्ट होता है इसका डीफॉस्फोराइलेशन होके 3-फॉस्फोग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर जो एडीपी होगा वो एटीपी में कन्वर्ट होगा। एडीपी मीन एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और एटीपी मीन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, सो इस तरह से हमारे एक एटीपी बनेगा एक पीजीए ग्रुप का, बट यहाँ पर दो पीजीए ग्रुप है। सो यहाँ पर 2 एटीपी प्रोड्यूस होंगे और हमारा 3-फॉस्फोग्लिसराइड बनेगा और इसमें जो एंजाइम काम करेगा वो हमारा फॉस्फोग्लिसराइड काइनेज। कौन सा? फॉस्फोग्लिसराइड काइनेज। आपको याद रखना है कि जो भी हमारा फॉस्फोराइलेशन होगा वहां पर काइनेज एंजाइम आएगा। ओके, जो भी फॉस्फोराइलेशन होगा उसमें काइनेज एंजाइम आएगा और यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसराइड वो फर्दर उसके आइसोमर में कन्वर्ट होगा और बनाएगा हमारा 2-फॉस्फोग्लिसराइड और इसमें जो एंजाइम काम करेगा वो हमारा फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। ओके, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। और ये हमारा जो 2-फॉस्फोग्लिसराइड बनता है वो भी आगे उसमें से हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज होगा और पेप बनाएगा। पेप मीन फॉस्फोइनोल पाइरूविक एसिड। सो यहाँ पर ये जो H2O2 मीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना वो हमारे बॉडी के लिए आपको पता ही होगा कि एक पॉइजन एज ए पॉइजन काम करता है। हमारी बॉडी में जो सेल होता है सेल के अंदर बहुत सारे हमारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं पेरोक्सिजोम करके। ओके, सो ये पेरोक्सिजोम क्या करेगा तो हमारे ये जो H2O2 मीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बना वो आगे जाके उसको H2O एंड O2 में ब्रेक डाउन कर देगा, पानी और ऑक्सीजन इस तरह से, मतलब उसको ब्रेक डाउन करेगा। सो यहाँ पर पानी और O2 बन जाएगा और ये काम करेगा हमारा पेरोक्सिजोम। ओके, और हमारा ये जो पेप बना, पेप मीन फॉस्फोइनोल पाइरूविक एसिड भी बोल सकते हैं और पाइरूवेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बाद में देखेंगे क्यों पाइरूवेट भी बोल सकते हैं, पाइरूविक एसिड भी बोल सकते हैं। हमारा ये जो पेप मीन फॉस्फोइनोल पाइरूविक एसिड है उसका भी फर्दर डीफॉस्फोराइलेशन होगा और एटीपी बनाएगा। एडीपी में से एटीपी बनाएगा। ओके, सो ये कितने एटीपी बनेंगे? 2 एटीपी, क्योंकि हमारे यहाँ पर टोटल 2 पीजीए थे, सो यहाँ पर 2 एटीपी बनाएंगे। ओके, सो इसका डीफॉस्फोराइलेशन होने के बाद हमारी जो प्रोडक्ट मिलती है वो हमारी पाइरूविक एसिड भी बोल सकते हैं, पाइरूवेट भी बोल सकते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं CH3, ये इसके सेकंड नंबर वाले कार्बन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, C(O)(H), और इसको बोलेंगे हम पाइरूविक एसिड। सो पाइरूविक एसिड भी बोल सकते हैं और पाइरूवेट किस तरह से बोलते हैं तो आप यहाँ पर देखो तो ये हमारा H ग्रुप प्रेजेंट है C(O)(H) में। सो ये हमारा H होता है वो आयनाइजेशन होके रिलीज हो जाता है और H प्लस डिफरेंट मीन सेपरेट हो जाता है और यहाँ पर CW- चार्ज प्रेजेंट होता है, सो इसको हम बोलेंगे पाइरूवेट। ओके, और ये जो हमारे पाइरूविक एसिड जो प्रोडक्ट मिली है वो आगे जाके हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगी हमारा क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल में। ओके, और यहाँ पर हम बात करें हमारे जो ग्लाइकोलिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट जो केमिकल फॉर्मूला है उसके बारे में, तो फर्स्टली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, ये इस तरह से हमारा ग्लूकोज 6 कार्बन वाला ग्लूकोज। और फ्रुक्टोज का आप यहाँ पर देखो तो ये हमारा फ्रुक्टोज। ओके, और फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट तो इसके C6 कार्बन पे, यहाँ पर ये इसका C6 कार्बन, सो इसके C6 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाना, सो इसको हम बोलेंगे फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। और ग्लूकोज के अगर ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप एंटर हुआ तो इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ओके, एंड बीच में एक हमारा और भी मॉलिक्यूल हमारा PGF फॉस्फोग्लिसराइड। सो फॉस्फोग्लिसराइड का इस तरह से होगा, इसके C1 कार्बन के ऊपर aldehyde ग्रुप,
C2 कार्बन के ऊपर OH ग्रुप एंड C3 कार्बन के ऊपर हमारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। ओके, इस तरह से हमारा थ्री फॉस्फोग्लिसराइड और हम ये भी बोल सकते हैं ग्लिसराइड थ्री फॉस्फेट। ओके, एंड एक और बात करें तो हमारे ये जो NADH2 आगे जाके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेगा, बट यहाँ पर हम देखें तो हमारे टोटल जो ATP फॉर्मेशन होता है वो हमारा टोटल नेट ATP फॉर्मेशन होता है वो 2 ATP, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो ये हमारा 1 ATP यहाँ पर यूज हुआ था और दूसरा यहाँ पर देखो तो ये हमारा दूसरा ATP यूज हुआ था। सो यहाँ पर 2 टोटल ATP यूज होते हैं और टोटल 4 ATP हमारे बनते हैं, 2 यहां से और 2 यहां से। सो हमारे टोटल 4 ATP बने। सो इस तरह से 4 ATP माइनस 2 ATP, सो हमारा टोटल 2 ATP हमारा नेट प्रोडक्शन हुआ ATP का। ओके, सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल और उसके बाद हम उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखेंगे। सो गाइस प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइस।